हेलो स्टूडेंट्स, एक बच्चों एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर जो 19 फरवरी 2018 को क्वेश्चन हुआ, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया कि ये दो सर्कल दिए हुए हैं बच्चों, एक बड़ा सर्कल है और एक छोटा सर्कल है, और इनके जो रेडियस है बच्चों आर इज टू कैपिटल आर, वो जो है बच्चों 3:5 है। किस रेशो में बच्चों? 3:5, ये रेशो दे रखिए बच्चों, ठीक है। और अब बच्चों ए ई और एसी की जो लेंथ है बच्चों वो हमें कितनी दे रखी है बच्चों? 40 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 40। अब बच्चों हमें जो लेंथ निकालनी है वो डीई की जो है वो लेंथ निकालनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन देखने में तो टेंजेंट हुआ सर्कल लगता है, और फिर उसके बाद रेशियो भी दे रखी है, तो रेशियो का मतलब ये है बच्चों सिमिलर ट्रायंगल है। और चुक सर ने आपको बता रखा है कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर आपने जो यूज करना है वो क्या यूज करना है? ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। अब एक एंगल तो बच्चों 90 डिग्री है पक्का, ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों के अंदर थीटा मैंने लिखा ही हुआ है, कॉमन मान लिया। क्या मान लिया? कॉमन। तो अब आपको ये नजर आ रहा है बच्चों ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू, हाँ जी, ये क्या है? ए ई सी। ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? सिमिलर है। ये छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल क्या है? एक एंगल तो कॉमन हो गया थीटा, और एक क्या था बच्चों? 90 था, हाँ जी, ये थीटा नहीं है बच्चों। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बच्चों? सिमिलर है। तो आज बच्चों इसको कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन को समझने की आप कोशिश करो, फिर इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा कि आपने इसको फटाफट कैसे करना है। तो पहले इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, फिर इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या बच्चों? सिमिलर है। ये वाली रेशियो हमें दे रखी है, और ये टोटल हमें कितना दे रखा है बच्चों? 40। कितना दे रखा है? 40। अब बच्चों इस साइड को मैं ए बी को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। तो अब आपको बच्चों यहां पर एक्स अपॉन 40 इक्वल टू 3/5, ये बात समझ आती है नहीं आती? और ये आपका जो 5x इक्वल टू 3/40, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई किया बच्चों 24, तो ये हमारा 24 आ चुका है, और ये हमारा कितना आ चुका है बच्चों? 16 आ चुका है। ये बात आई बच्चों समझ? अब ये साइड्स को मैंने अलग अलग कर दिया, 40 को क्या कर दिया बच्चों? 24 और 16। और अब हमें किसकी लेंथ निकालनी थी बच्चों? डीई की लेंथ निकालनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों यदि आप चाहो ना कि सिंपल कॉन्सेप्ट से हो जाए, बहुत मुश्किल है। तो अब इधर देखो बच्चों, आपको समझना पड़ेगा ये 3 है, ये क्या है? 5। और टोटल इनके बीच में कितने पार्ट हैं बच्चों? 16। और ये क्या दे रखी थी बच्चों? रेशियो दे रखी थी। क्या दे रखी थी? रेशियो। तो मतलब ये 16 जो है बच्चों टोटल 8 के इक्वल है। तो 1 किसके इक्वल होगा? 1/8/16, मतलब 1/2 के इक्वल होगा, समझ भाई जी। तो 3 किसके इक्वल होगा? 3/2, और ये 5/2, तो ये कितना आएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा बच्चों? 10 सेंटीमीटर। तो अब इसका रेडियस हमारे पास आ चुका है। ये जो है आपको सिमिलर ट्रायंगल बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी अप्लाई नहीं हो रही, क्योंकि थीटा एंगल आपको मालूम ही नहीं है, एंगल के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि जो आप अप्लाई कर दोगे सब कुछ कर दोगे। अब बच्चों हमारे पास ये भी हमें 40 दे रखा है, ये भी हमें 10 दे रखा है। अब बच्चों ए ई आप निकाल सकते हो आराम से, और ए ई क्या आएगा बच्चों ये बताओ? ए ई आएगा आपका 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होता है? 1600, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो ये कितना आ गया बच्चों? 1500। और 1500 को क्या लिख सकते हैं हम? 15/100, और 100 बाहर गया तो ये कितना आ गया? 10√50। ये बात समझ आई? अब बच्चों हमें उसने एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ किसकी लेंथ पूछी हुई है? डीई की लेंथ पूछी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर काम हो गया, आ रही बात बच्चों समझ? तो अब बच्चों आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे बताओ ये एडी और डीई भी किस रेशो के अंदर होंगे? किस रेशो के अंदर होंगे बच्चों? ये किस रेशो में थे? 3:2। तो ये भी किस रेशो में होगा बच्चों? 3:2, ठीक है। तो अब मुझे 10√5 जो है बच्चों डीई निकालना है, तो वो किस रेशो में होगा? 2/5। तो 5 to the 10, तो इस तरह ये आंसर आ जाएगा 5√5 सेंटीमीटर, यदि सेंटीमीटर दे रखा है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री का दिया गया बच्चों। ये दो सर्कल है बच्चों, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है,
उनका जो रेडियस है 3:5 की रेशो के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, और कोई वो सेंटीमीटर में नहीं रखा, और ये जो एसी की लेंथ थी 40 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो मैं इसको यदि आपको ट्रेडिशनल मेथड से करने के लिए करें तो काफी टाइम लग जाएगा, सब कुछ लग जाएगा। तो ये जो रेशियो है बच्चों, ये क्या होगी 24:16, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या सिमिलर, एक एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, दोनों में कॉमन था, तो उनकी रेशियो को हमने डिवाइड कर दिया, तो एक्स हमारे पास 24 आ गया। ये टोटल 40 था, तो बीसी हमारे पास 16 आ गया। अब हमारे पास ये हमारे पास टोटल 16 है, तो ये पार्ट मैंने उसके अंदर डिवाइड करने हैं। तो ये भी बच्चों ये 5 है, ये 3 है, तो 8 पार्ट 16 के इक्वल है, तो एक पार्ट किसके इक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया बच्चों 6, और ये कितना हो गया 10। अब हमारे पास बड़े ट्रायंगल से हम AGE की लेंथ निकाल सकते हैं, तो वो हमें मालूम है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेसिक जो हमारे पास होते हैं माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 10√15। अब ये भी बच्चों किस रेशियो में है 3:2, तो ये भी किस रेशियो में होगा 3:2, तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि AD की लेंथ ज्यादा होगी और DE की लेंथ क्या होगी कम होगी। तो DE कितना आ गया बच्चों 2, तो ये क्या किया बच्चों 2/5 तो कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 4√5 सेंटीमीटर। इस तरह क्विकली आप निकाल सकते हैं। तो आपको यदि कॉम्पिटिशन में अपियर होना है तो आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।